Today I am going to teach you lesson number 14, the little fir tree. Yes sir. Fir tree का मतलब होता है देवदार का पेड़। फर माने देवदार। आपने पहाड़ों में देखा होगा एक पेड़ होता है ऐसे करके नुकीली उसकी शाखाएं होती हैं और उस तरह के पेड़ वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं उसको फर ट्री बोलते हैं। तो पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको मतलब क्या है और क्या इसमें अर्थर कहना चाहता है। सबसे पहले मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, ठीक है। वंस अ मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। मैजिकल नहीं, मैजिशियन। अच्छा आप लोग सुनिए ध्यान से, रीडिंग बाद में लगाइएगा, ठीक है। वंस अ मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम, ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन हैवीली। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ लिटिल फर ट्री। एक बार एक मैजिशियन अपने घर लौट रहा था, रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, तो उसने शेल्टर के लिए देखा, आश्रय पाने के लिए, बारिश से बचने के लिए जगह देखी, एंड सॉ अ लिटिल फर ट्री, तो उसको एक फर ट्री मिला। जंगल की पहाड़ों की बात रही होगी। ही रेन देयर एंड टुक शेल्टर। वो वहाँ पहुँच गया दौड़ के और जाके वो उसके नीचे छिप गया। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग। जल्दी बारिश बंद हो गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। जब बारिश बंद हो गई तो मैजिशियन ने उस पेड़ से कहा कि धन्यवाद, आपने मेरे लिए अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? क्योंकि आपने मुझे आश्रय दिया, बारिश से बचाया। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, आस्क फॉर फोर विशेज। अब मैजिशियन कहता है कि मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ, कोई चार इच्छाएं अपनी मांग लो, कोई चार वरदान मांग लो। एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। और मैजिशियन ने कहा कि मैं उनको पूरी कर दूंगा, ठीक। तो दिस लेसन इज अबाउट अ टीचिंग ऑफ मैंस विशेस। ये बात समझने की है। ये लेसन क्या है? ये लेसन आपको आदमी की इच्छाओं के बारे में कुछ बता रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड आई लाइक इट वेरी मच। मैं बच्चों को जब भी इसको पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लेसन को पढ़ाना, बिकॉज द टीचिंग ऑफ द लेसन इज सुपर। इसकी टीचिंग जो है, इसमें जो लेसन है, जो प्लानिंग है, जो इसमें मैसेज है, वो बहुत अच्छा है। तो आप समझ गए, मैजिशियन जा रहा था, बारिश हुई, उसने एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया अपने बचाव के लिए, और उसके बाद उसने धन्यवाद कहा और कहा कि पेड़ को, और कहा कि तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें कोई चार इच्छाएं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। तो अब चार इच्छाएं देखिए क्या है। पहली विश उसकी क्या थी? द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट इन इट, सो इट सेड आई विश हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। उसने कहा कि मेरे जो पक्षी हैं, कोई पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि मेरी जो पत्तियां हैं नुकीली हैं, नीडल की तरह हैं, तो आप मेरा, जैसे और पेड़ों की हरी भरी पत्तियाँ होती हैं, ऐसी मेरी पत्तियाँ कर दीजिए। तो मैं जिसने कहा वेरी सिंपल कर देंगे। अगले दिन वो देखा उसने, नेक्स्ट मॉर्निंग विश वॉज ग्रांटेड, सून गॉट के मेलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। अगले दिन उसने देखा कि उसकी विश ग्रांट हो गई है, वो सारी पत्तियाँ हरी भरी हो गई, और जब उसने उठ के देखा तो एक बकरी आई और उसको खा गई सारी पत्तियों को। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। अब उसने, फर ट्री ने दोबारा कहा कि अरे ये तो गलती हो गई, तो क्या करें? उसने कहा आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, सेकेंड विश उसकी। पहली विश देखिए, फर्स्ट विश ऑफ द ट्री वॉज दैट ही हैड ग्रीन लीव्स लाइक अदर ट्रीज। सब ट्रीज की ग्रीन लीव्स होती हैं ज़्यादातर, तो उसने कहा कि सब पेड़ों की तरह ग्रीन लीव्स हो जाए मेरी भी, जिससे कि सब पक्षी को हौसला बनाए मेरे ऊपर, और जैसे सब पेड़ मज़े में रहते हैं, ऐसे मैं भी मज़े में रहूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगले दिन वो जब उठा, उसकी विश जो है ग्रांट हो गई, उसकी इच्छा पूरी हो गई। सून अ गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। एक बकरी आई और उसकी सारी हरी पत्तियों को खा गई। सेड द फर ट्री आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। जब खा गई तो उसने कहा अरे तो बेकार रहा। फिर वो कहता आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। अब इसमें देखिए दो चीज़ें मिली, मैंने इसमें दो स्ट्रक्चर आपके लिए निकाले हैं। एक तो स्ट्रक्चर है यू हैव बीन काइंड टू मी। आपने ऊपर देखा कि जब पेड़ को शेल्टर मिला, तो उसने शेल्टर लेने के बाद जब बारिश बंद हो गई तो उसने थैंक यू किया फर ट्री का, और थैंक यू करने के बाद कहा थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आपने मेरे ऊपर दया की, आप मेरे ऊपर दयालु रहे, आपका धन्यवाद, और इसीलिए कोई चार वरदान मांगो, आस्क फोर विशेज, आई विल ग्रांट यू, तो मैं आपको उन इच्छाओं को पूरी कर दूंगा, ठीक। फिर क्या हुआ? यू हैव बीन काइंड टू मी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, आपने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया। स्ट्रक्चर कहाँ बना? आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, जब भी आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी।
मैंने आपके साथ कुछ अच्छा किया तो आप बोलिए थैंक यू सर, यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी. बोलिए यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी. अब एक साथ बोलेंगे यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी. वेरी काइंड टू मी. या वेरी हटा दीजिए, यू हैव बीन काइंड टू मी. इसका मतलब आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, यानी आपने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया. यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी. और दूसरा स्ट्रक्चर आया आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स. जब देवदार के पेड़ ने पहली इच्छा मांगी तो पहली इच्छा क्या थी उसकी, कि मेरी बाकी दोस्तों की तरह मेरी पत्तियां कि काश मेरी पत्तियां हरी हो जाएं, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए. इस तरह के जो इंग्लिश के सेंटेंस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, आई विश आई हैड के साथ. देखिए आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, काश मेरी पत्तियां हरी हो जाएं. गोल्ड लीव्स है या ग्रीन लीव्स है या कुछ भी आ सकता है इसमें. वो तीन विश मांगी है, तीनों इसी तरह से मांगी जाएंगी. काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, काश मुझे एक गिलास दूध मिल जाए. कैसे बोलेंगे, आई विश आई हैड मिल्क, आई हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क. ग्लास ऑफ करके बोलते हैं, आई हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, आई विश आई हैड. तो स्ट्रक्चर क्या है, आई विश आई हैड. अब ध्यान रहेगा, काश ऐसा हो, काश मैं आपके स्कूल टॉप कर दूं, काश मैं स्कूल में सबसे पहले नंबर पे आऊं एग्जाम में, तो कैसे बोलेंगे, आई विश आई हैड स्टूड फर्स्ट इन द स्कूल. स्टूड फर्स्ट इन द स्कूल. समझ में आ गया, आई विश आई हैड. काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, आई विश आई हैड. और कोई आपके साथ कृपा करे, दया करे, तो यू हैव बीन काइंड टू मी, ये आप बोल सकते हैं. ठीक, अब देखिए तो क्या हुआ था कि वो पत्तियां उसकी कैसी हो गई, हरी हो गई. लेकिन बकरी आई और खा गई, तो उसने कहा आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स. सेकेंड विश उसकी क्या थी, फर्स्ट विश तो हो गई, द फर्स्ट विश ऑफ द ट्री वॉज दैट ही हैड ग्रीन लीव्स. और सेकेंड विश, द सेकेंड विश वॉज दैट, नहीं इंग्लिश में बताइए, द सेकेंड विश वॉज आई विश. तो वो कह रहा है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि उसने क्या मांगी थी, तो आप कहेंगे उसने मांगा था कि उसकी पत्तियां ऐसी हो जाएं. तो कैसे बोलेंगे, द सेकेंड विश वॉज दैट लगा के, अब रिपोर्टेड स्पीच नहीं रहा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैटर है, ग्रामर की बात है, अभी आप आगे पढ़ोगे. अभी तो आप इतना समझ लीजिए, सेकेंड विश वॉज दैट इट हैड गोल्ड लीव्स. उसकी सेकेंड विश ये थी कि उसकी पत्तियां गोल्ड की हो जाएं. इट सेकेंड विश वॉज दैट इट हैड गोल्ड लीव्स. द सेकेंड विश वॉज दैट इट हैड गोल्ड लीव्स. बात समझ में आ गई. अच्छा थर्ड विश क्या थी, अच्छा जब सेकेंड विश उसकी पूरी हो गई तो क्या हुआ, अगले दिन वो उठा. When at a fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. तो surprise हो गया gold leaves देख के. A man came along and stole all the gold leaves. एक आदमी आया और उसकी सारी पत्तियों को चुरा के ले गया. क्यों चुरा ले गया, सोने की पत्तियां थी, अब जंगल में सोने की पत्तियां कौन छोड़ेगा, चुरा के ले गया. This time the fir tree said, I wish I had glass leaves. थर्ड विश आ गई, देखिए ये थर्ड विश है. थर्ड विश क्या थी, द थर्ड विश वॉज दैट इट हेल्ड ग्लास लीव्स. अब उसने कहा कि कांच की लाओ, देखूं कांच की कौन चुराएगा, जो चुराएगा उसी का हाथ फट जाएगा, कांच की पत्तियां होनी चाहिए. फिर क्या हुआ, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स. एट नाइट द विंड ब्लू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक. रात में हवा चली और सारी ग्लास की लीव्स आपस में टकरा के टूट गई. फिर क्या हुआ, द फर ट्री सेड आई वांट माय ओल्ड नीडल लाइक लीव्स. अब चौथी विश, तीन विश हो गई, पहली विश क्या थी कि हरी पत्तियां हो जाएं, दूसरी गोल्ड की हो जाएं, हरी पत्तियों को बकरी खा गई, गोल्ड की को चुरा के ले गया कोई, तीसरी क्या थी कि ग्लास की हो जाएं, वो हवा में टकरा के टूट गई. अब चौथी विश मांग रहा है, चौथी विश क्या है, वो कह रहा है एट नाइट, हाँ वो कह रहा था, फर ट्री सेड आई वांट माय ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक. वो कहता है मेरी तो वही पत्तियां ठीक थी जो पहले थी, वही सही थी यहाँ के लिए. सो दैट गॉड्स डू नॉट ईट देम, जिससे कि ना तो उनको बकरी खा पाएगी, मैन कैन नॉट स्टील देम, आदमी चुरा नहीं पाएगा, और विंड कैन नॉट ब्रेक देम, और हवा उनको तोड़ नहीं पाएगी. तो मेरी तो वही पहले की पत्ती दे दीजिए जादूगर महोदय, जो पहले मेरे पास थी. द ट्री वेंट टू स्लीप, व्हेन इट वक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, इतना कह के ट्री सोने चला गया. और जब अगले दिन वो उठा तो क्या हुआ, उसने देखा कि उसका पेड़, उसकी सारी पत्तियां पहले के जैसी हो गई हैं हरी भरी.
इट्स नीडल लाइक लीव्स वर बैक अगेन, वो नीडल की तरह से, जैसी उसकी नीडल जैसी पत्तियां थी, देवदार की जैसी होती हैं, वैसी पत्तियां उसको वापस मिल गई हैं। अब सवाल आता है कि इसका मॉरल क्या है, इस कहानी से आप क्या सीखे। इस कहानी से हम ये सीखे, यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, आपको भगवान ने जो दिया है। बोलिए आप, लालच बुरी बला है तो अलग बात हो गई, लालच करना, उसने लालच तो नहीं किया यहाँ, वो तो विश, उसने अच्छा काम किया, उसने उसको विश मांगने को कहा, उसने विश मांगी, अपना मन चलाया, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये समझ में आ गया कि भगवान ने जो किया वो ठीक है, हमें वही पहले वाली पत्तियाँ दे दीजिए। तो इंग्लिश में हम अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे, क्या आपने क्या सीखा, तो हम कहेंगे हमने सीखा, देखिए हमने लिखा भी है, यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, आपके पास जो है भगवान ने जो दिया उसमें आपको खुश रहना चाहिए, ये सीखेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, रिवार्ड, ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, मैजिशियन जादूगर, रिवार्ड इनाम, विश इच्छा, ये सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना, ठीक, स्टोल चुरा लिया, और ब्रोक तोड़ दिया, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं, इसके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, मैजिशियन, रिवार्ड, विश, सरप्राइज, स्टोल, ब्रोक, ठीक। नीडल, नीडल लिख लीजिए, नीडल माने क्या होता है, नीडल लाइक लिख रहा है ना उसमें, नीडल सुई, सुई की तरह नुकीली, ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी इसी से जुड़ी हुई है, वो आपको ये लेसन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, बोलिए, वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, इसका अर्थ हुआ कि जो हमें मिला है, जो भगवान ने दिया, उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी टीचिंग है, याद रखेंगे। अब इसके सपोर्ट में एक कहानी और सुनाता हूँ मैं आपको, छोटी सी, ध्यान से सुनिए। एक बार दो दोस्त जा रहे थे घूमने, अब वो दिन में जा रहे थे, चलते चलते एक गांव के खेत से निकले बाहर, तो गांव में बारियां होती हैं, बारियां सब्जी वब्जी होती है ना, उसको बारी बोलते हैं, पालेज भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो जब गांव से दूर वो गांव के मुहाने पर निकले, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो खाना वाना खा लें, घर से खाना लेके आए, खाना खा लो, भूख लग रही है, तो बैठ के खाना खाने लगे। तो वहाँ एक कासी फल की बेल थी, तो उसने देखा, उनमें से एक ने बोला कि भाई ये भगवान भी क्या अजीब काम करता है, क्या करता है कि कासी फल की बेल इतनी दुबली पतली, और इतनी दुबली पतली बेल पे इतना मोटा कासी फल लगा दिया, ये कौन सा न्याय हुआ भाई। तो वो लड़का बोला कि यार कह तो सही रहा है तू, लेकिन मैंने तो एक बात सुनी है बड़े बुजुर्गों से और अपने टीचर से, गुरुओं से, क्या कि भगवान कभी गलत नहीं करते, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो बोला यार बात तो तेरी भी सही है, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि भगवान जो करते अच्छा करते हैं। बोला जी क्या अच्छा करें, जरा सी बेल देखो जमीन में घुसी पड़ी है, वहाँ पर ये मोटा कासी पर लटक रहा, ये कहाँ का न्याय हो गया, कहाँ की अच्छी बात है। अब वो बोला कि अच्छा चलो देखते हैं भाई, भगवान अच्छा करेंगे तो पता चलेगी क्या अच्छा है इसमें। अब वो चलते गए, शाम हो गई उनको, शाम हो गई, रात्रि सी होने को आई, तो जंगल में पहुँच गए। जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे उन्होंने कहा कि भाई यहीं बिस्तरा लगाओ अपना, यहीं चद्दर बिछाओ, और जो बैग उनके पास था उसका तकिया बनाओ, यहीं सो जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई एक एक करके सोएंगे, जंगल है, कोई अगर आ गया, भेड़िया खा गया, शेर खा गया, तो पहले तू आराम कर ले, जंगल का ही नियम है, हम जंगल में जब कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो हम वहाँ पर एक चौकीदार जरूर रखते हैं, NCC में, NSS में सिखाया जाता है कि रात में सब सो रहे हैं तो सब नहीं सोएंगे, एक आदमी चौकीदारी करेगा, सबकी ड्यूटी एक एक के बाद एक लगती है। तो ऐसे उन्होंने किया, तो बोले कि भाई तू सो ले, मैं जग लेता हूँ। तो जिसने ये कहा था कि काशी फल बना के भगवान ने गलती की, वो सो गया, दूसरा वाला जागता रहा। तभी क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद आम का पेड़ था, एक छोटा सा आम ऊपर से टूटा, टूट के जो सो रहा था उसके मुँह के ऊपर गिरा। अब वो उठ गया एकदम से, बोला यार ये आम गिर गया, बोला हाँ आम गिर गया। अब वो जो पहले वाला था जाग रहा था, उसने कहा कि अब तू एक बात बता, क्या कि तू यूँ कह रहा था कि छोटी सी बेल पे तो काजी फल लगा देते हैं भगवान, बड़े बड़े पेड़ों पे छोटे छोटे फल लगाते हैं, कहाँ का न्याय है। अब तू ये बता कि अगर इस आम के पेड़ पे काजी फल लटक रहा होता और वो अगर तेरे मुँह के ऊपर गिरता तो तेरा क्या हाल होता। तो बोला हाँ यार ये बात सही है।
अगर आज काशीफल इतनी ऊपर से गिरता मेरे मुंह पे तो आम से तो मैं बच गया, लेकिन काशीफल तो मेरा भरता बना देता। तो उसने कहा कि भाई बात ठीक है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, भगवान के काम में कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। तो भगवान पे विश्वास रखें और ये निश्चित मानें कि भगवान कभी गलत नहीं करते, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं।